गर्मा गर्म खास्ता सत्तू की कचौड़ी अगर सुबह सुबह नाश्ते में मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली खास्ता सत्तू की कचौड़ी की रेसिपी। तो आइए बनाते हैं। सत्तू की कचौड़ी बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे मैदा ले सकते हैं, तो आप अपनी जरूरत के अनुसार आटा ले। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच नमक, तो नमक स्वाद के अनुसार ले। 4 चम्मच इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल, यहाँ पे आप घी भी ले सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वो ले। अब इन सबको रखने के बाद ना हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसे जितना अच्छा से आप मिलाइएगा ना उतना ही सॉफ्ट कचौड़ी बनेगी। तो इस तरह से इसे हम मिला लेंगे। और यहाँ पर देखिए कलर चेंज हो गई है आटा का, और यहाँ पर देखिए आटा बंधने भी लगा है। तो बस हमें इसे इतना ही मिलाना है। जब इस तरह से आटा बंधने लगे ना तो अब हम इसमें क्या करेंगे ना कि थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा का ना सॉफ्ट डो बनाकर हमें तैयार कर लेना है। तो एक बार में ज़्यादा पानी ना डालें, ज़्यादा पानी डालने से क्या होगी कि आटा गीला हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और आटा का सॉफ्ट डो बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो इसे हमें अच्छे से मिलाना है। इसे जितना मिलाइएगा ना कचौड़ी उतना ही खास्ता और फुला फुला बनेगा। तो इस तरह से हम आटे को अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पर देखिए आटा का डो बनकर तैयार हो गया है। तो जब आटा का डो बनकर तैयार हो जाएगी तो इसे हम साइड में रख देंगे और हम सत्तू का स्टफिंग्स बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सत्तू लिया है, आप अपने ज़रूरत के अनुसार लें। इसमें अब हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लें। 1 चम्मच अजवाइन, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च, तो आप अपना तीखा के अनुसार हरी मिर्च इसमें डालें। 10 से 12 इसमें हम डाल देंगे कुटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच नींबू का रस, तो नींबू की रस की जगह ना आम का अचार का मसाला होता है उसे भी आप ले सकते हैं। इससे क्या होगी ना कि कचौड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ 1 मीडियम साइज का प्याज डाल देंगे और 4 चम्मच सरसों का तेल, तो इसमें ना सरसों का तेल ही डालें। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। सरसों के तेल से ही ना कचौड़ी की टेस्ट अच्छी आएगी। तो आप इस मिलाते वक्त सरसों का तेल का ही इस्तेमाल करें। तो इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। तो इस तरह से देखिए मिला लेना है इसे। मिला लेने के बाद अब हम आटा का डो लेंगे और इसमें से थोड़ा थोड़ा सा बांट लेंगे और इसकी ना हमें लोई बनाकर तैयार कर लेना है। तो जैसे हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से हमें इसका भी लोई बनाकर तैयार कर लेना है। और यहाँ पर देखिए लोई बनकर तैयार हो गई है। जब लोई बनकर तैयार हो जाएगी ना तो एक लोई को हम लेंगे, बीच में दोनों औंठा को रखेंगे और इस तरह से इसे घुमाते हुए कटोरी का शेप दे देना है। और इसके बाद हम 1 चम्मच सत्तू का मसाला उठाएंगे और इस पे हम रख देंगे और इसको ना हम बंद कर लेंगे इस तरह से। या आप चाहें तो बेलकर भी इसमें सत्तू का मसाला भर सकते हैं, बट ये ज़्यादा आसान है। तो सेम प्रोसेस से ना सारी लोई में हम सत्तू का मसाला को भर लेंगे। और ये देखिए कितना आसान है इस तरह से सत्तू भरने में। तो सारे लोई में सत्तू भर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे ना इसे बेल लेंगे। तो इसे हमें ज़्यादा नहीं बेलना है क्योंकि यहाँ पे हम कचौड़ी बना रहे हैं। बेलने से क्या होगी ना कि ये फ्लैट हो जाएगी और अच्छे से फ्राई भी होगी। तो इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। आप चाहें तो दोनों साइड में ना सूखा हुआ आटा लगा कर भी बेल सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, या आप चाहें ना तो इसे बिना बेले हुए इस तरह से हाथों से भी फैलाकर इसे बना सकते हैं इस तरह से। ये देखिए आपको जैसे आसान लगे उस तरह से आप कचौड़ी का शेप दे सकते हैं। और इस तरह से बना लेने के बाद अब हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल को ना हमें गर्म कर लेना है। तेल जब गर्म हो जाएगी ना तो गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे एक कढ़ाई में जितना कचौड़ी आ सके उतने को रख देंगे। और रखने के बाद ना हमें इसे छूना नहीं है, ये जब एक साइड से पक जाएगी ना तो ये खुद ऊपर आने लगेगी। तो हमें ना इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है।
गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल भी ना करिए। हाई फ्लेम पे फ्राई करने से क्या होगी ना कि ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से पक जाएगी। और ये देखिए एक साइड से पक जाने के बाद सारा ऊपर आ चुका है, तो अब हम इसे पलट देंगे। और पलट देने के बाद ना दूसरे साइड से भी हमें मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। और ये देखिए कचौड़ी दूसरे साइड से भी फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसे ना उलटते पलटते हुए 1 से 2 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए कचौड़ी दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद ना हम सेम प्रोसेस से बचे हुए कचौड़ी को हमें फ्राई कर लेना है। और ये देखिए गर्मा गर्म खास्ता सत्तू की कचौड़ी बनकर तैयार है। तो एक बार आप मेरे इस तरीके से सत्तू की कचौड़ी बनाकर ट्राई करें और इसे ना गर्मा गर्म आलू चने की सब्जी के साथ सर्व करें, तो यकीन माने एक बार आप इस तरह से कचौड़ी बनाकर खा लिए ना तो मार्केट का सत्तू का कचौड़ी खाना भूल जाएंगे। तो आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब